ये लो खाना। गलती से हो गया। कोई बात नहीं, होता है भाऊ। भाऊ, लेकिन मैं तो दुश्मन का आदमी हूं और आप मुझे भाऊ कह रहे हैं। भोजन उपलब्ध कराने वाला कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, वो तो माँ अन्नपूर्णा का अवतार होता है। और खाना दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और हमने तो सेंधवा के बावर्ची के बारे में सुना है कि उनके हाथों में जादू है। वाह 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 वाह, तुम चक्के देखो अहिल्या। हाँ हाँ, क्या बात है, ऐसा खाना तो हमारे वाड़े पर भी नहीं बनता है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है मैं इसे अभी खत्म करने वाली हूँ। क्या खाना बना है, खाना बनाने वाला विशेषज्ञ है तो कुछ भाव जी। लेकिन खाना बनाने वाले से ज्यादा खाना परोसने वाले के हाथों पे निर्भर करता है कि उसने किस भाव से खाना खिलाया है हमें। संतुष्ट अन्नदाता सुखी भव। छोटी रानी, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या आपके जो नए सरदार हैं, यही बात आपको पूछते हैं? मेरा मतलब, आपको कुछ और चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बोल देना, ऐसा कुछ। क्योंकि हमारे बाबा साहब तो अपनी प्रजा के लिए यही भावना लेकर जीते आए हैं, है ना तुकोजी भावजी? हाँ हाँ, इनके नए सरदार भी पूछते होंगे शायद। नहीं, लेकिन पहले मौका नहीं देते, थप्पड़ मारते हैं। भाव, बुरा मत मानना, लेकिन हमें बहुत बुरा लगा। क्या है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना ठीक बात नहीं है। क्यों? वही तो, फर्क तो पड़ता होगा, फर्क तो इन्हें भी पता चल ही गया होगा। क्यों भाऊ? मेरा मतलब एक नीतिवान,
दयालु राजा की छत्र छाया से निकलकर एक दहशत फैलाने वाला स्वार्थी कपटी सरदार की छत्र छाया में आना, फर्क तो पड़ा होगा ना। क्या ख्याल है, इस नए बदलाव से खुश हो? या वही पुरानी छत्र छाया में आना है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।